आज मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स करा रहा हूँ और ये गोल्डन रूल्स रिलेट करते हैं हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन और कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर हम बात करें, ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनी, तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कभी कभी एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं तो कभी कई बार प्रोनाउन की तरह, और इनमें डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें हम जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं तब, और जब ये प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं तब कैसे यूज़ कर सकते हैं इनको, वो सब हम देखने वाले हैं। साथ ही एक इनडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउन दो तरीके से यूज़ हो सकता है, मतलब चीज़ों के लिए या फिर व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स के लिए या थिंग्स के लिए, तो उनको कैसे यूज़ करते हैं, क्या इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, वो सब भी आज हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला रूल, और आज के गोल्डन रूल्स में सबसे पहला रूल हम करने वाले हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनी और वन, ये हमारे होते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव कब ये प्रोनाउन बन जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव कब ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, आज कुछ सेंटेंस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इनको प्रोनाउन की तरीके से यूज़ करते हैं या उनको देखते हैं, या फिर एडजेक्टिव की तरह इनको कैसे यूज़ करते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव क्या क्या है। जैसे पहला ईच, नेक्स्ट आइदर, नाइदर, नन, एनी। देखिए यहाँ पर जो वन हम बात करते हैं, वन हमारा एक इनडेफिनिट प्रोनाउन भी है, लेकिन काफ़ी हद तक हम डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए भी यूज़ करते हैं। फ़र्क देखेंगे क्या है, वो सभी आपको सेंटेंसेस में दिख जाएंगे। तो सबसे पहले इनके अर्थ हम समझ लेते हैं। ईच का क्या मतलब होता है? ईच का मतलब होता है प्रत्येक, या हम कहें हर एक। इसी तरीके से आइदर की हम बात करते हैं तो दो में से किसी एक की बात करते हैं, और नाइदर में दो में से कोई एक भी नहीं। नन की बात करते हैं तो दो से ज्यादा में से कोई एक। एनी या वन की बात करते हैं तो दो से ज्यादा में से नन में कोई एक भी नहीं, और इसी तरीके से एनी या वन में दो से ज्यादा में से कोई एक। देखिए, इस डिस्ट्रीब्यूटिव को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इस बात को समझें, अगर ईच, आइदर, नाइदर या इन सभी की जब हम बात करते हैं तो मेन जो एम्फेसाइज है वो किस पर डाला जा रहा है, मतलब रेफरेंस जो हमें मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, एक का रेफरेंस, चाहे वो हो और चाहे वो ना हो। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इस एक का ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस एक के होने से, मतलब बहुत सारों में से किसी एक को देखना, या दो में से किसी एक को देखना, या दो में से किसी एक को भी ना देखना, या हम कहें कि इनका जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। इसी के हिसाब से हम वर्ब को यूज़ करते हैं सेंटेंस में, लेकिन कई बार ईच, आइदर, नन ये अपने साथ नाउन और प्रोनाउन को प्लूरल लेते हैं, तो कई बार सिंगुलर भी लेते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर ये सभी एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहे हैं और कहाँ पर ये सभी प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, आपने मतलब तो देख ही लिए होंगे, कुछ सेंटेंस मैं अब लिख रहा हूँ। तो पहला सेंटेंस है, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। सेकेंड, आइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू। थर्ड, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस पर अगर आए तो देखते हैं क्या फॉर्मेशन बनता है। ईच के बाद एक प्रेपोजिशन, उसके बाद द आर्टिकल, फिर बाद में नाउन, फिर वर्ब, और बाकी जो हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में कई बार ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि कब हम वर्ब को देखें कि उसके बराबर वाला जो पोर्शन है, जो सेंटेंस का भाग है, वो हमारा सब्जेक्ट के अंडर रह रहा है, ये हमारा वर्ब है, और उसके दूसरी तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन हम देखते हैं तो वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, और तीसरा उसका ऑब्जेक्ट पार्ट।
इसी तरीके से यहां पर देखते हैं आइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, वर्ब सब्जेक्ट वाला पार्ट और इधर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन, मेन वर्ब, इधर वाला पार्ट सब्जेक्ट और उधर वाला पार्ट ऑब्जेक्ट। ईच का क्या मतलब है? हर एक या प्रत्येक, मतलब हर एक की बात हो रही है, कितने कितनों में से, सब बहुत सारे लड़कों में से, मतलब हर लड़क हर एक की बात कर रहा है बहुत सारे लड़कों में, कि उनको क्या मिला, प्राइज मिला। अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि ईच जब भी हम यूज करते हैं, यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव हमने यूज किया और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, इसके लिए एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूं। ईच कैंडिडेट इज प्रेजेंट, ईच कैंडिडेट इज प्रेजेंट। यहां ईच के बाद एक प्रीपोजिशन देखने को मिलता है, तो प्रीपोजिशन से पहले हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, लेकिन यहां पर ईच के एकदम बाद नाउन देखने को मिलता है, जो नाउन देखने को मिलता है और ईच इसके लिए एडजेक्टिव का काम करता है। तो यानी कि ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद ऑफ आता है और फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं। तो जब भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो होंगे वो प्लूरल फॉर्म में होंगे, लेकिन यहां जहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव के एकदम बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, और यहां पर क्या हो रहा था, प्लूरल था। लेकिन वर्ब को जब हम देखते हैं तो यहां पर वर्ब कैसे मिल रही है, सिंगुलर, और यहां पर भी वर्ब कैसे मिल रही है, सिंगुलर। यानी कि जब एक का रेफरेंस होगा तो एक के रेफरेंस के लिए हम वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज करेंगे, चाहे वो क्यों ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो और चाहे क्यों वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो। तो सबसे पहली बात तो ये हमें वर्ब वाली बात क्लियर कर लेनी है। अब ये बात भी क्लियर हो गई कि ईच के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो नाउन प्रोनाउन प्लूरल, और ईच के बाद एकदम नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर, क्योंकि एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है। कुछ दो सेंटेंस और हैं, आइदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू, जरा देख के बताइए कि सही है या नहीं। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आइदर दिया है उसके बाद ऑफ, फिर द एक्यूजेशन नाउन हमारा प्लूरल है और उसके बाद वर्ब सिंगुलर है। क्या कह रहा है कि दो में से, मतलब देखो यहां क्या बात हो रही है, आरोपों की बात हो रही है, दो आरोप हैं और दो में से एक सही है। एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, एक्यूजेशंस है यानी कि दो हैं, कैसे पता चल रहा है दो का, आइदर से। अभी हमारी बात हुई थी आइदर का क्या मतलब होता है, दो में से किसी एक की बात हो रही होती है। इसी तरीके से ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट है। थर्ड, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन, इसमें चेक करके बताइए गलती हो सकती है क्या। गलती बिल्कुल है, देखिए आइदर के बाद ऑफ दिया है फिर दीज रोड्स, यानी कि दो में से कोई एक रोड है जो लीड करता है, जो पहुंचाता है रेलवे स्टेशन, यानी कि वर्ब यहां पर भी सिंगुलर था, यहां पर भी सिंगुलर था, तो यहां पर भी तो सिंगुलर होनी चाहिए। अब कैसे पता चले कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल, सबसे पहली बात यह भी पता होनी चाहिए कि किनका हम, अगर हम देखते हैं किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का, तो किन किन का सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। तो पहली बात, वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होता है। दूसरा, प्रोनाउन का सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होता है। तीसरा, नाउन का सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म हो सकता है। लेकिन ध्यान देनी है कि वर्ब में, अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब हमें सिंगुलर मिलेगा, लेकिन अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो नाउन हमें कैसा मिलता है, प्लूरल मिलता है। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, देखा जाए तो अगर उसमें एस या ईएस नहीं है वर्ब में तो वो कैसा है हमारा, प्लूरल, तो हमें क्या चाहिए, सिंगुलर, यानी कि करेक्शन है एस का, लीड की जगह लीड्स हो जाएगा। तो कुछ ये सेंटेंस थे, आपने देखा ईच के लिए, आइदर के लिए। अब मैं कुछ दो तीन सेंटेंस और मैं लिख देता हूं ताकि और अच्छे से ये हमारा प्रिपेयर हो जाए। तो कुछ और सेंटेंसेस हैं, इनको भी हम देख लेते हैं कहां पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं और कहां पर ये प्रोनाउन की तरह। तो पहला, ईच बॉय टुक हिज टर्न, ईच यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि हमें बाद में एकदम नाउन दिखाई दे रहा है। इसके बाद सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का हमारा टेंस है, यहां पर वर्ब सिंगुलर या प्लूरल नहीं देख सकते। सेंटेंस बिल्कुल सही है, नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, नाइदर, दो में से कोई एक भी नहीं, लेकिन यहां पर एक्यूजेशन है ना कि एक्यूजेशंस। क्यों,
क्योंकि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करने का मतलब है कि कोई भी जो इनके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और वर्ब सिंगुलर साथ मिलेगा। इसी के बाद नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क। सेंटेंस देखिए, नन भी यूज है और टू स्टूडेंट्स भी है, लेकिन नन तो दो से ज्यादा में से किसी एक के लिए भी यूज नहीं होता है ना, कोई एक भी ना हो दो से ज्यादा में से उसके लिए हम यूज करते हैं नन, लेकिन यहां क्या दिया है टू, तो यानी कि करेक्शन कहां पर है, नन का करेक्शन है, क्या होना चाहिए, नाइदर होना चाहिए। इसके बाद सुरेश हैज फोर सन्स, नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। सुरेश के चार लड़के हैं लेकिन उनमें से एक भी हार्ड वर्किंग नहीं है, तो यानी कि नाइदर हम जब यहां यूज कर रहे हैं चार लोगों के लिए तो करेक्शन किसका होना चाहिए, नाइदर का, क्योंकि ये तो दो के लिए यूज होता है, होना क्या चाहिए, नॉट, तो इसमें भी हमने करेक्शन कर लिया है। इसके बाद नाइदर ऑफ देम रिसीव द अवार्ड। देखिए मैंने एक क्वेश्चन टैग के लिए यहां पर डाला है कि आप क्वेश्चन टैग को देखिए कि क्वेश्चन टैग में हम यहां पर ये जैसे कि क्वेश्चन टैग की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन टैग में जो स्टेटमेंट होता है और जब उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि यहां पर ये स्टेटमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नाइदर यानी कि नेगेटिव है और देम यानी कि प्लूरल है, तो जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो पहले कॉमा लगाते हैं, उसके बाद यहां एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या होना चाहिए, रिसीव्ड है, रिसीव्ड है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड हम यूज करेंगे। दूसरी बात, नेगेटिव क्वेश्चन टैग है तो पॉजिटिव बनेगा, यानी कि डिड नॉट वाला अगर हम बनाते हैं, यानी कि जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो डिडंट यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से इसको हम पॉजिटिव ही रहने देंगे डिड। और दो में से किसी एक को, देखो जनरली हम सेंटेंस में जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करते हैं तो इनको एज ए सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन जब हम इनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इनको प्लूरल मान लिया जाता है, और इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नाइदर ऑफ देम रिसीव द अवार्ड, डिड दे, मतलब कि दो में से किसी एक ने भी रिसीव नहीं किया रिवॉर्ड, क्या किया है, दोनों में से किसी एक ने, तो वहां पर दे हम यूज करते हैं। यहां पर दो में से किसी एक के लिए नॉर्मल सेंटेंसेस में नाइदर ईच आइदर इन सबको सिंगुलर मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में इनको प्लूरल मानते हैं। अगला, नन ऑफ द टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट बेडिंग, मतलब दो में से कोई एक ने भी अपना बिस्तर लेके नहीं आया, अपना बिस्तर किसी कोई लेके नहीं आया। अब दो लोगों की बात है तो फिर करेक्शन की जरूरत है और यहां पर नाइदर यूज होना चाहिए। तो बहुत सारे हमने सेंटेंस कर लिए, करीब करीब 8 से 10 सेंटेंस हमने कर लिए हैं और हमने बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटिव को समझ भी लिया है। तो अब मैं आपको कुछ एक इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ पर्सन के लिए, ठीक है। तो चलिए अब वो देखते हैं। चलो तो अब कुछ इनडेफिनिट हम प्रोनाउंस देख रहे हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, प्रोनाउंस वो हैं जो हम नाउन की जगह शब्द यूज़ करते हैं। इनडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, मतलब ऐसे प्रोनाउंस जो अनिश्चित नाउन, इनडेफिनिट नाउंस के लिए हम यूज़ करते हैं, वही हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। अगर बात करें समबडी, नोबडी, एवरीबडी और एनीबडी की, तो इन सभी का जो यूज है वो हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। फॉर पर्सन्स वी यूज समबडी, नोबडी, एवरीबडी और एनीबडी। इसी तरीके से समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग वी यूज देम फॉर थिंग्स, चीजों के लिए हम इनको यूज करते हैं। और एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि पता ही नहीं है, डेफिनेट ही नहीं है, इसलिए हम इनको इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, नोबडी वॉज प्रेजेंट, कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी नहीं के लिए नोबडी हम यूज कर रहे हैं। एवरीबडी इज प्रेजेंट, सभी प्रेजेंट है, हर कोई। एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट फॉर टुडेज मीटिंग,
एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब जो सभी चीजें हैं वो परफेक्ट हैं, दिख रही हैं परफेक्ट आज की मीटिंग के लिए। Somebody has done their work. देखिए यहां पर एक करेक्शन आ जाता है ऐसे सेंटेंसेस में। Somebody को जब हम देखते हैं तो somebody का मतलब कोई एक, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो इनडेफिनेट है, और जब भी कोई एक व्यक्ति होगा तो उसको हम एज ए ही मानेंगे, ही में उसको मान लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में उसका पजेसिव देयर नहीं, हिज यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं उनके पजेसिव केस के लिए हम हमेशा हिज यूज करते हैं, लेकिन वन भी एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है और इसके पजेसिव केस में हम वंस यूज करते हैं। मतलब सिर्फ एक, यही एक ऐसा इनडेफिनेट प्रोनाउन है जिसका पजेसिव केस में वंस यूज करते हैं, बाकी सभी, बाकी जो ये जो समबडी, नोबडी, एवरीबडी हैं, इनके लिए पजेसिव केस में हम हिज यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्शन है समबडी के अकॉर्डिंग, जिसमें हम ही मान रहे हैं, हिज यहाँ पर सही है, देयर नहीं। एनीबडी कैन डू द वर्क इफ ही ट्राइज, मतलब कोई भी ये काम कर सकता है अगर वो कोशिश करे। ये ही जो है वो किसके लिए यूज है, एनीबडी के लिए। एनीबडी मतलब कोई भी एक, कोई भी, जैसे सामने काफी मेरे स्टूडेंट बैठे हैं और इनमें से मैं किसी एक को कहूं कि कोई भी एक आ जाए और जो हमारा व्हाइट बोर्ड है इसको इरेज कर दे, साफ कर दे, तो कोई भी एक, तो कोई भी एक, वो एक जो होगा उसको हम ही तो मानेंगे ही, और ही के लिए उसका पजेसिव केस हिज हम यूज करेंगे। तो ये सब हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस देख लिए हैं। तो कहीं पर जो थिंग वाले हैं वो हम यूज़ करते हैं चीज़ों के लिए, और जो बड़ी वाले हैं जैसे कि सम बड़ी, नो बड़ी, एवरी बड़ी और एनी बड़ी, ये हम पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस थे।